चलते कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप से खुदा की कसम कॉपरेट नहीं करता। हम लोग नहीं आता क्या धरना करने रोडों पे? नहीं आता क्या? आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा केस बुक करते हैं सर? धरना दिया? अरे अन्ना ने रखे ने बहुत तुम ऑर्गेनाइज। अरे 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 कौन बोले? अरे अरे सारी सर कुछ बोलो। अरे अन्ना अंत ऑर्गेनाइजेशन वाले छे बार दूटला। नो 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 अरे रखकर फोई आप। अरे चेसे अवसर लेदो अन्ना, मैं अक्कड़ नुंचि वेल्लिपोतुन्नाम। नेनु अंदरिकी पंपिस्तुन्ना। अरे साहब मैं प्ले कार्ड लेने गया, प्ले कार्ड लेने गया। मैं वहां से पूरा खत्म करता हूँ, मैं वहां से निकालता हूँ। मैं अकेला गया तो कैसा सर? पूरा ऑर्गेनाइज करने वाला मैं सर। आप इतना रिक्वेस्ट मत करो, मैं मेरे जगह के ऊपर जाके सर नहीं बोला तो मैं। आप सुनिए, आपके डीसीपी साहब से 10 बाइक का लिए यहाँ से वहां तक। नहीं 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 ले, कुछ भी नहीं ले। अरे लिए ना रमला रेड्डी साहब से पूछो। देखो ये सही नहीं, हम कभी भी करें कॉपरेट, हम कॉपरेट करें, हम वहां से पूरा चले गए तो इज्जत जाती। हाँ इज्जत जाती। अब जाओ मैं सेट कर देता हूँ, मैं सेट करता हूँ। एसीपी साहब आपको मेरे पे भरोसा है ना? नहीं आना था, रोके नहीं सर, मैं प्ले कार्ड देने आया, जरूरत नहीं था। अरे प्ले कार्ड सुना सर, प्रेस के सामने सिंबॉलिक हो गया ना, तो चलिए हम जाते हैं। चले एसीपी साहब, इस बार दिस इज रॉन्ग। प्लीज नहीं, आई नेवर ब्रोक, ऑलवेज आई कॉपरेटेड। प्लीज आप एक बात पे नहीं, मैं बराबर हूँ। मैं प्ले कार्ड देने अकेला 50 के साथ आता था। तुम्हारा आने जरूर क्या जरूरत है तुम्हारा कार्यकर्ता? अरे कार्यकर्ता को नहीं जाने दे रहे सर, तो मेरे को बोलना था। अरे आपको मैं वहां से कैसा भेजा? नहीं छोड़ते आप अगर ऐसा बोले तो मुश्किल हो जाए। आप एक बात पे नहीं, क्या बात पे नहीं थे सर? पहले परमिशन नहीं, क्या बात पे नहीं थे? परमिशन ही नहीं है, क्या बात पे नहीं थे? परमिशन ही नहीं है। अरे हाउस साइड के थोड़ी देर कर लेते बोलते। अरे हो गया ना सर, प्ले कार्ड लगे कहाँ जा रहे? फिर प्ले कार्ड जाने जा रहे थे सर, अब नहीं जा सकते। अब इधर आया ना सर, सर मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ से हम चले आते बोल रहे। आइए सर, आइए आइए। ओके सर, आप बोल दिया ना ये बात नहीं होगी। चलते अरे चलते कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप से खुदा की कसम कॉपरेट नहीं करता। हम लोग नहीं आता क्या धरना करने रोडों पे? नहीं आता क्या? आप क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा केस बुक करते हैं सर? ये काम क्यों कर रहे? फिर नहीं करना था फिर? अरे मैं प्ले कार्ड जाने गया आपको रिक्वेस्ट करके। प्ले कार्ड बोलो, कुछ भी नहीं कर रहे, बोले निकल गए। 50 जनों के साथ बोले निकल गए आप? 50 जनों के साथ आ सकता था ना सर, बगैर बोले निकल गए आप? मैं प्ले कार्ड के लिए, किसके लिए आया? किसके लिए? प्ले कार्ड आप कंसिडर करना। आप बगैर बोले भाग जा रहे हैं? अरे सर आप कुछ फर्स्ट डे से फर्स्ट टाइम से हम कॉपरेट करते, तुम लीडर जैसा रहो बस। हर जगह हो गया क्या? ये देखिए, ये पुलिस परमिशन हम डाले बाद पुलिस रिजेक्ट कर दी, तो इसे साफ पता चल रहा टीआरएस की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के साथ मिलके है। आज जो पेट्रोल का इजाफा हो रहा, एक कॉमन आदमी को आप खत्म कर दे रहे हैं। COVID-19 में आदमी मर गया, और आज ये जो प्राइस हाइक है, आज जो बढ़ावा प्राइस है, इससे लोग इतने परेशान हैं, नौकरियां चले गए, कारोबार ख़त्म हो चुका, लोगों के पास पैसा नहीं, जेब खाली है, और उसके बाद में कोविड, उसके बाद में ये महंगाई। हमारे को ये बात नहीं समझ में आती, नरेंद्र मोदी जो कभी भी कांग्रेस पार्टी को बताए ये बोल के कि महंगाई कांग्रेस पार्टी करती, और आज जो आप महंगाई कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर बन गए प्राइस हाइक के। आज पेपर में हेडलाइंस कब आता? आज पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ा,
जब हेडलाइंस आता तो मैं नरेंद्र मोदी को ये बात बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब आप मन की बात बोलते, मेहरबानी करके जन की बात करो आप, और ये उजड़ावा गुलिस्तान को आप कैसा संभालेंगे, कैसा इसको सीधा करेंगे। पूरा हिंदुस्तान परेशान है, आप पेट्रोल डीजल के रेटा कंटिन्यूस बचा के बढ़ा के, और रही बात पूरी दुनिया में कम है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अपना बाजू का मुल्क है नेपाल, उसको एक कोई एमपी ने अच्छा डिस्क्राइब किया और ये बोला कि नेपाल सीता का है, वो सीता के शहर में कम है, और नीचे श्रीलंका है रावण के शहर में कम है, और ये हिंदुस्तान राम है, राम के वतन में इतना प्राइस कई को। गरीबों का जो जेब है उसके पास से पैसे निकाल के आप हिंदुस्तान चला रहे, आप आत्मनिर्भर भारत बोले, आप बड़े बड़े बातें करें, और उसके बाद में आप जो ये कंटिन्यूसली प्राइस हाइक कर रहे हैं, कांग्रेस की ये मांग है कि आप रोल आउट करो, क्योंकि इससे पूरा लिंक है। वेजिटेबल्स के रेट बढ़ गए, दाल के रेट बढ़ गए, कुकिंग गैस के बढ़ गए, दूध के बढ़ गए, हर जगह से आवाम परेशान है। आप यह बात बोले थे कि मैं महंगाई को कंट्रोल करता हूँ, उसके लिए आप मेरे को लेके आओ, और आज आप ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस पार्टी का आज जो प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट के अंदर रोल बैक, आवाम के सर के ऊपर वजन मत डालिए, गरीब के पास से आप पैसे लेके कर रहे हैं। हमारे पास एक सर्वे रिपोर्ट है, इंडिया मॉनिटरिंग इकोनॉमिक स्टेटस, और वो रिपोर्ट ये बता रही एक साल के अंदर तो 2,50,00,000 नौकरियां चले गए, 23 करोड़ लोगों की आमदनी खत्म हो गई, कितने लाखों लोगों की नौकरी चले गई ऐसे हाल के ऊपर। अब आप बोलो, आप कोविड को बोले थे, आप कोविड नहीं आना तो घरों में रहो, आप पेट्रोल डीजल का रेट आप इतना बढ़ा दिया, अभी भी घरों में रहना क्या? आप इंदिरा पार्क से अभी प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, परमिशन लिया गया था, फिर अरेस्टिंग क्यों हो रही है? देखिए परमिशन अप्लाई किया गया था, और लाजमी बात है जब धरना चौक के ऊपर हम इत्तेजाज करते तो पुलिस का काम है धरना चौक पे हमको परमिशन देना, मगर यहाँ पे TRS गवर्नमेंट क्लियर कट बता दे रही, हम इत्तेजाज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर KCR और उनकी टीम बता दे रही कि हम BJP से मिले हुए हैं। तो ये जो आवाज कॉमन आदमी जो मजलूम है, बेबस है, उदास है, नाराज है, खफा है, और उम्मीद खत्म हो गई, हम उसकी आवाज बुलंद करेंगे बोले तो।